Hello, Christmas is right around the corner, and we crave for some sweets. And I love baking brownies and cookies at home for my kids. So today I'm here with the brownie recipe. I'll show you how I make my brownies. So I have prepared everything here, everything is ready right in front of me, and we'll show you my process. ब्राउनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी, बट विल स्टार्ट विद बटर। हमें ब्राउन शुगर चाहिए, वाइट शुगर चाहिए, थोड़ा सा ऑयल चाहिए, वैनिला एसेंस, मैदा, चॉकलेट पाउडर, अनस्वीटेंड चॉकलेट पाउडर, ओके, अंडे एंड चॉकलेट्स। So, let's start. Okay, now we'll start with butter. This is 100 gram normal Amul butter, the Amul butter जो हम रेगुलर यूज करते हैं। ओके, देन ब्राउन शुगर 1 कप, व्हाइट शुगर 1 कप, एंड वी मिक्स इट। हमें 1 टेबल स्पून नॉर्मल ऑयल लेना है। ओके, 1 टेबल स्पून नॉर्मल ऑयल, इट विल गिव सॉफ्टनेस टू द ब्राउनीज। और ये तेल नॉर्मल घर का तेल जिससे हम खाना बनाते हैं, बट नॉट द फ्लेवर वन, लाइक ऑलिव ऑयल एंड ऑल नहीं चलेगा। सो नॉर्मल तेल। वैनिला एसेंस 2 टीस्पून ऑफ वैनिला एसेंस, अभी 2 अंडे, ये हो गए हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स। मिक्स इट रियली वेल ताकि कोई लंप ना बने एंड सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने का। सो वी विल फर्स्ट टेक आर जाली। इसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा, आधा कप कोको पाउडर। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कोको पाउडर को सीव करके ही लें, क्योंकि हमें कोई लंप नहीं चाहिए। आपको दिख रहा है कितना लम्प्स है, एंड वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि कोई लम्प ना आए हमारे ब्राउनी के रेसिपी में। एंड नाउ वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस,
We have to switch to a spatula. और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें कभी भी मिक्स नहीं करना है, हमको कट एंड फोल्ड करना है. फोल्ड एंड कट, या एंड दैट इज हाउ वी हैव टू मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट विद द वेट इंग्रेडिएंट्स. एकदम आराम से, प्यार से हमको इसको, हमें इसको करना है. अभी ये हमारा मिक्सचर रेडी है. इसमें हम डालेंगे चंकी चॉकलेट्स. ये मैंने एक्चुअली अमूल के डार्क चॉकलेट्स को ही पीसेस करे हैं. एंड हम सब नहीं डालेंगे क्योंकि आधा हम आधा ही डालेंगे, क्योंकि बाकी का हम डालेंगे जब हम ओवन में बेक करने को डालेंगे. हमें खूब सारा चॉकलेटी ब्राउनी बनाना है, इसीलिए मैंने चॉको चिप्स की बजाय चंकी चॉकलेट्स डाले हैं. थोड़ा और डाल सकते हैं. एंड वी आर रेडी विद द बैटर. अभी हमें इस बैटर को इस पैन में डालना है. ट्रस्ट मी, ये ब्राउनीज बहुत ही ज़्यादा यमी और एकदम अंदर से मॉइस्ट और बाहर से क्रिस्पी ऐसा बनने वाला है. ज़रूर ट्राई करिए एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्स आउट टू बी. विल नाउ पुट चॉकलेट चंकीज एट द टॉप ताकि हमारा ब्राउनी बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी हो. बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं चाहिए चॉकलेट्स में. और ये हमने ब्राउनी को बेक होने डाल दिया वो अवन में for temperature 180 degrees and temperature 35 minutes. Now we'll have to wait for 35 minutes to bake, get it baked. ये ब्राउनी बनाने के रेसिपी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ओके, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखना है इज़ ब्राउन शुगर. ओके, ब्राउन शुगर से क्या होता है इज़ कि क्रंचीनेस आती है हमारे ब्राउनीज़ को. ओके, द पर्पस ऑफ आर ब्राउनी, अन आइडियल ब्राउनी शुड बी हैविंग अ क्रंची लेयर एंड सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट मॉइस्ट यू नो अंदर का. तो व्हेन वी आर यूजिंग ब्राउन शुगर इट जस्ट एड्स टू दैट क्रंचीनेस. ऑफ कोर्स वी कैन रिप्लेस द ब्राउन शुगर विद द वाइट शुगर, डजंट मैटर. नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज ऑयल. That 1 tablespoon of oil is important to make our brownie moist from andar se. Very important. And the third step is cocoa powder. We have to be very sure that we are using the cocoa powder, unsweetened cocoa powder and not the
मिल्क शेक वाला द चॉकलेट पाउडर, द चॉकलेट पाउडर आता, वी आर नॉट सपोज टू यूज दैट, प्लीज डोंट यूज दैट. आई हैव यूज हर्शेज नेचुरल अनस्वीटेंड कोको पाउडर, प्लीज इस पे ध्यान देना, देना जरूरी है. एंड वी हैव टू यूज अनस्वीटेंड कोको पाउडर ओनली फॉर दिस ब्राउनी. ओके, तो हमारा ब्राउनी रेडी है, लेट्स टेक इट आउट. गरम है. नाउ हम इसको 1, 2, 3 मोस्टली 9 पीसेस में कट कर सकते हैं. इट्स ऑल चॉकलेटी. लेट्स लुक एट कि ये अंदर से कितना मॉइस्ट बना है. इट लुक्स यम. ओके, सो ब्राउनी, शुड वी टेस्ट इट? आई थिंक वी शुड. प्लीज गो एंड ट्राई. मेरी क्रिसमस इन एडवांस.